उत्तर प्रदेश डीजीपी ओम प्रकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। थर्ड प्राइज भी लिया अपने रिस्पांस मैकेनिज्म के ऊपर, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। हमने अभी अपने संबोधन में एक चीज कहा मैंने कि हम लोगों ने शुरुआत किया था विजिबिलिटी से, वो भी इंटीग्रेट किया जा सके। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार हमारा इन्हांस्ड कवरेज रहा विथ लॉट ऑफ कमिटमेंट, जिसमें हमने वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये विशेष कदम उठाए हैं। आने वाले समय में बहुत से ऐसे वर्टिकल्स होंगे जिस पर हम सोचेंगे, उसको इनोवेट करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और कवर करेंगे। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं बाद में, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे ऑफिसर्स इस ओर ध्यान देंगे। और UP 112 का हम फुलेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, हम इसके डेटा को हम फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। इस सिस्टम को हम पुलिसिंग में कैसे हम इनोवेटिव बना सकें और कैसे हम इसको कस्टमाइज करके सिटीजन्स फ्रेंडली बना सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और अंत में हमारा ऑब्जेक्टिव इस वर्ष का ये रहेगा कि हम कैसे स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ें, स्मार्ट रिस्पांस, स्मार्ट विजिबिलिटी, स्मार्ट इंटीग्रेशन और स्मार्ट कमिटमेंट के साथ हम कैसे स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा, ये हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस का रहेगा। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपने ये कहा 112 बहुत ज़्यादा मदद भी किया है, बहुत सारे सिचुएशंस को भी हैंडल किया है, और क्या अभी लग रहा है कि इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है? जो कमांड सेंटर लखनऊ में है, जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी इस तरह के हम अगर सेंटर बनाएं तो शायद ज़्यादा आसानी हो। हमने दो जगह पे OMRs बनाए हैं, OMC ऑपरेशन मिरर सेंटर्स हमने दो जगहों पे बनाया पिछले वर्ष, गाजियाबाद और प्रयागराज में। अभी तक हमारे सारे कॉल्स जो हैं यहाँ आते थे। जब हमने OMC बनाया तो कुछ कॉल्स वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ कॉल्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो एक ट्रैफिक फ्लो जो है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गया। तो ये हमारा है, आने वाले समय में हो सकता है कि OMC अगर और ज़रूरत होगी तो हम और उसको करेंगे। और हमारे हम देखिए, इनोवेशंस की कोई सीमा नहीं होती है। आपने देखा पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और कई क्षेत्रों में इस प्रकार के वो किए। तो हम लोगों ने एक थिंकिंग कॉप की तरह सभी चीज़ों में कहा, न केवल नॉलेज पार्टनर्स बनाया, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बनाया, बल्कि पुलिसिंग पार्टनर्स बनाया। आज हमने एक प्रशस्ति पत्र दिया दो ऐसे सिटीजन्स को जिन्होंने रिस्पांस दिया। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि सूचना देना, यदि कोई महिला रेलवे ट्रैक पर सोते हुए या बेहोश की हालत में पाई गई और किसी व्यक्ति ने अगर सूचना देकर उसकी जान बचाई, तो समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये, जिसको हम संभवतः बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से इसको देते हैं। लेकिन सूचना हमारे लिए एक रिसोर्स है, सूचना हमारे लिए पावर है, सूचना हमारे लिए एक बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं, और हमने ये शुरुआत किया कि हम सिटीजन्स को कैसे पार्टिसिपेट कराएं। ADG UP 112 मुझसे कह रहे थे कि अब हम ट्रेनिंग में टैक्टिक्स भी लाना चाहते हैं। ये भी एक हमारा इनोवेशन है कि हम कैसे UP 112 के रिस्पॉन्डर्स, पिछली बार 2018 में हमने सर्टिफाइड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग शुरू कराई थी। हमने कहा कि UP 112 का एक जवान जो है वो क्राइम की ही सूचना नहीं पाता है, उसे बहुत सारी चीज़ों का, अगर वहाँ पे नदी के पास वो खड़ा है अपनी गाड़ी लेकर, तो उसे बचाने का भी होना चाहिए। ड्राउनिंग कैसे हो सकता है? हमारे एक जवान ने अभी उसको मैंने प्रशस्ति पत्र दिया सिर्फ इसलिए कि उसकी कार जो है डूब गई थी, उसको निकाला उसने, 5 व्यक्तियों की जान बचाई। तो एक कहा जाता है कि पुलिस मैन शुड बी इक्विप्ड विथ एवरीथिंग। तो मैं समझता हूँ कि UP 112 जो मेरा जवान है वो उसी का प्रतीक है। तो उसे हमने 19 वर्टिकल्स में हमने उसकी ट्रेनिंग दी, फर्स्ट एड में दिया, सीन कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे रिस्पॉन्स किया जा सके, तो इन सब चीज़ों को दिया ताकि वो प्रोफेशनल बन सके। यदि अगर आग लग गई है कहीं पर और वहाँ पर PRV की गाड़ी खड़ी है, आप उससे मदद मांगेंगे तो वो कहेगा कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि कैसे आग बुझाया जाए। आज हमारा जवान कम से कम आग बुझाने की ओर अग्रसर रहेगा, वो 10 आदमी को फ़ोन करेगा, फायर सर्विसेज को बुलाएगा, कुछ ऐसे इंडिजीनियस चीज़। मैं जब DG NDRF था
तो मैंने पुणे बटालियन में बिस्लेरी के बॉटल्स को यूज़ करना सिखाया कि कैसे बिस्लेरी के बॉटल्स को आप कमर में बांध लें तो आप फ्लोट कर सकते हैं फ्लड के समय में। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इनोवेट करके बढ़िया किया जा सकता है। यूपी पुलिस उस दहलीज पे पहुंच गई है कि अब यहाँ से इनोवेशन ही शुरू होगा, बैकवर्डनेस नहीं शुरू होगा। सर अभी अब यूपी 112 से थोड़ा सा अलग हो जाए, एक चर्चा बहुत से चल रही कमिश्नरी सिस्टम की, सर तो क्या लखनऊ नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम ला रहे हैं, और अगर उसमें कहीं कोई संशय है तो आपकी मंशा क्या, आप चाहते हैं? और अभी लखनऊ में एसएसपी नहीं, जबकि इतने बड़े बड़े आयोजन होने, नोएडा में कोई एसएसपी नहीं तैनात हुआ है? केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि शासन स्तर पर लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की चर्चा हो रही है। अब उस पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, इस पर विचार हो रहा है, अब सरकार जो चाहेगी वो उचित समय पर उचित कदम उठाएगी। तो दुबई में तीसरा स्थान, हमारी पुलिस सतर्क रहती है। प्रदेश के पुलिस मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हमने फीडबैक लेना शुरू किया, लगन उत्साह से जनता की सेवा की है।